राहुल, मैं पिछली बार तुम्हारी इस पटाखे की दुकान से दिवाली के मौके पर रॉकेट खरीद के ले गया था, लेकिन जैसी रॉकेट में आग लगाई, रॉकेट तो फुस हो गए, बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं फूट पाए थे। लेकिन मोदी जी, इस बार के पटाखे मेरे ऐसे हैं कि आग बात को लगाओगे पहले ही फूट जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो राहुल, आग लगाने से पहले ही फूट जाएंगे, ये कैसे पटाखे? ऐसे पटाखे मैं नहीं लूंगा। अरे मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। कहने का मतलब है पटाखे बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया धमाका करेंगे। रॉकेट में आग लगाओगे, आसमान में जाते ही धमाका कर देगा। अरे योगी इंस्पेक्टर जी, केजरीवाल जी और लालू सर जी आ गए। अरे क्या आपको भी पटाखे लेना है सर जी? नहीं राहुल, हमें पटाखे नहीं खरीदना है, हम पटाखे नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो तुम पटाखे बेच रहे हो उसकी जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि पिछली बार तुमने नकली पटाखे बेचे थे दिवाली के मौके पर, जो भी लोग पटाखे ले गए थे पटाखे फुस हो गए थे। अरे मोदी जी, इनके सामने मत कह देना कि पिछली बार तुम भी पटाखे ले गए थे और तुम्हारा भी पटाखा फुस हो गया था। अरे नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, लेकिन ये बताओ इस बार के पटाखे तो फुस नहीं होंगे? अरे बिल्कुल फुस नहीं होंगे, लेकिन इन्हें तो जाने दो, कम से कम इन्हें तो किसी तरीके से हटाओ। इन्हें अगर तुम हटा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे ओरिजिनल पटाखे दे दूंगा। कैसी बात करी राहुल, अभी मैं इन्हें देखो बहाने से हटाता हूँ। अरे योगी इंस्पेक्टर जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, पिछली बार तो मैं राहुल जी की दुकान से पटाखे ले गया था, इनके पटाखे तो बहुत अच्छे थे, धमाधम आवाज हुई थी पटाखों के अंदर से। लेकिन मोदी जी, हमें तो खबर ये मिली है, पिछले साल इन्होंने अपनी दुकान पे नकली पटाखे बेचे थे, इनसे जो भी पटाखे खरीद के ले गया था वो पटाखा फुस हो गया था। तो योगी सर जी, एक काम करते हैं, इस बार का इनका पटाखा फोड़ के देखते हैं, अगर इनका पटाखा यहाँ पर ठीक फूट गया तो समझो इनके पटाखे ठीक है और इनकी दुकान को चलने देते, अगर इनका पटाखा फुस हो गया तो इनकी दुकान को बंद करवा देंगे। वैसे योगी सर जी, केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, केजरीवाल जी की बात से मैं सहमत हूँ, एक पटाखा फोड़ के देख लो राहुल जी का। अरे यहाँ पर आबादी में कहाँ फोड़ के देखोगे पटाखों को, पटाखे ले जाओ और घर जाके फोड़ के देखना, बहुत अच्छे पटाखे इस बार के मेरे, इस बार के पटाखे फुस नहीं हो रहे हैं। क्यों मोदी जी? बिल्कुल इस बार के पटाखे तो इनकी अच्छी हैं, अच्छे लग रहे हैं, पिछली बार जरूर फुस हो गए थे। अरे ये क्या गलती से जानबूझ के मुंह से निकल गया? अरे मोदी जी, अभी तो आप कह रहे थे पिछली बार इनके पटाखे बहुत अच्छे थे। चलो राहुल, इस बार तो दुकान तुम खोले रहो, अगर तुम्हारे पटाखे फुस हुए तो बीच में ही दिवाली के मौके पर तुम्हारी दुकान बंद करवा देंगे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, जितनी गर्मी इस साल पड़ रही है उतनी गर्मी तो मैंने कभी पड़ते नहीं देखी, बहुत गर्मी है बेग साहब। आप थोड़ा बर्फ के पास बैठे तो अब सुकून मिला, लेकिन मोदी जी आपके दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? बर्फ के पास गर्मी भगाने का ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? अरे राहुल, यूं ही दिमाग में आइडिया आ गया, रात में जब लेटा हुआ था गर्मी बहुत थी, नींद आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा अगर सर्दी ज्यादा पड़ती है तो लोग आग के पास बैठकर सेकते हैं अपने आप को, जब आग से सर्दी भाग सकती है तो गर्मी किस चीज से भागेगी, यही मैंने सोचा, तो मेरे दिमाग में बर्फ का आइडिया आया। और जैसी सुबह हुआ गर्मी ज्यादा पड़ी, मैं केजरीवाल की दुकान से ये बर्फ का टुकड़ा ले आया, अब अपना सब लोग बर्फ के पास बैठे हुए हैं, गर्मी भाग रही है कि नहीं भाग रही है बताओ? लेकिन मोदी जी, तुम थोड़ा कच्चा बर्फ लाओ, ये ज्यादा पका हुआ बर्फ नहीं है, ये जल्दी पिघल जाएगा, जब ये पिघल जाएगा फिर क्या करोगे? अरे भाई, पिघलने वाली चीज तो पिघलेगी, अगर अपना सर्दी में आग के पास बैठते तो आग जल्दी थोड़ी रहती है, आग भी तो बुझ जाती है, समझे मेरी बात को अखिलेश? वैसे मोदी जी, आपके दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आ गया ये गर्मी भगाने का, अब गर्मी के दिन अच्छी तरीके से कट जाएंगे। वैसे मोदी जी, आप पहले गर्मी के दिनों में गर्मी से निजात कैसे पाते थे, कुछ किस्से बताओ हमें भी। बहुत आसान था योगी जी, बहुत आसान था, मैं और लालू जी ये बैठे तुम्हारे बराबर में, हम लोग गांव के पीछे वाली नहर में नहाते रहते थे गर्मी में, दिन तो यूं ही कट जाता था, जब सूरज डूब जाता था तो थोड़ी तपन और आग कम हो जाती थी गर्मी की, इसी तरीके से गर्मी के दिन कट जाते थे। अरे योगी जी, थोड़ा सा उधर होके बैठो, तुम तो मुझे बैठने ही नहीं दे रहे हो, बर्फ को सेकने ही नहीं दे रहे हो, थोड़ा सा उधर हो जाओ। अरे जब मोदी जी ने बर्फ में पैसा डाला है तो सबको मजे लेने दो इस बर्फ के। क्या कह रहे हो लालू जी, के मोदी जी ने पैसा डाला है? अरे मैंने काहे का पैसा डाला है, खाते में लिखवा कर आया हूँ केजरीवाल के, इस बर्फ का मजा सब लोग ले रहे हैं गर्मी भगाने के लिए, पैसा सब लोग देंगे, कह देता हूँ मैं अभी, ये 25 रुपए का बर्फ का टुकड़ा है, 5-5 रुपए सब लोग देंगे, अपना 5 लोग है। अरे मोदी जी, हम 5 रुपए क्यों देंगे, हम समझे आप लाए ये बर्फ का टुकड़ा, अरे हम 5 रुपए आपको देंगे, इससे तो अच्छा 5 रुपए का उबैसी जी का बर्फ का गोला खा लेंगे तो पूरे दिन गर्मी नहीं लगेगी। और भाई लोगों, बिल्कुल सब
सब्सक्राइब करो। अरे मोदी सर जी, आपके स्कूल में सबसे देर में खाना मिलता है, इस खिचड़ी को बनने में कितना वक्त लगेगा? बहुत देर हो गई आपके खाने का इंतजार करते करते, काफी देर का इंटरवल हो चुका है आपके स्कूल में, अब सिर्फ खाने का इंतजार है, लंच का इंतजार है, कब करेंगे हम लंच? सोनिया जी, मैं कह रहा था कि नहीं कह रहा था, सारे के सारे स्टूडेंट नाराज होने लगे, अभी तक तुमसे खिचड़ी बनकर तैयार नहीं हुई है, लगता है स्कूल का खाना बनाने के लिए किसी दूसरे को रखना पड़ेगा। अरे कितनी देर में आप खिचड़ी बनाकर तैयार करोगी? मोदी जी, मेरे ऊपर तो आप ज्यादा रखो मत, आपके स्टोव में आग जली नहीं रही है, केरोसिन का सारा तेल खत्म हो गया, तेल तो ला कर दो, तभी तो खिचड़ी बनकर तैयार होगी, आग बुझ गई स्टोव की। लेकिन सोनिया जी, कल ही तो मैंने 5 लीटर केरोसिन का तेल ला कर दिया था, वो तेल कहाँ पर गया? सारा का सारा तेल एक दिन में खत्म हो गया। अरे मोदी सर जी, कल मैंने पूरी सब्जी बनाकर नहीं दी थी, उसमें सारा का सारा तेल खत्म हो गया, अब तेल मंगाओ नहीं तो ये खिचड़ी अधपकी रह जाएगी, अभी पक नहीं पाई है। अरे मम्मी जी, कम से कम मुझे देखकर तो जल्दी खाना बना दिया करो, मैं तो मोदी जी के स्कूल में ही पढ़ रहा हूँ, और इसी स्कूल में आप खाना बनाने के लिए आती हो, तो कम से कम ये तो सोच लिया करो, मुझे भी भूख लगी होगी बहुत तेज। अरे सोनिया जी, इस स्टोव में तेल खत्म नहीं हुआ होगा, केरोसिन का तेल खत्म नहीं हुआ होगा, स्टोव में पंपिंग करो तभी तो तेल ऊपर को आएगा, और जब केरोसिन का तेल ऊपर आएगा तभी आग जलेगी, आग जलेगी तभी खिचड़ी बनेगी। अरे मोदी सर जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो, जब आपके स्टोव में तेल है ही नहीं, सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही है, तो आग जलेगी कैसे? हाँ मोदी सर जी, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके स्टोव में तेल है नहीं, और सोनिया जी को खाना बनाने से निकालने को कह रहे हो, अगर आपने सोनिया जी को खाना बनाने से निकाला तो हम भी स्कूल छोड़ देंगे, क्योंकि इनका खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप कम से कम केरोसिन का तेल तो ला कर दो, तभी तो स्टोव में आग जलेगी, कुकर में खिचड़ी अधपकी रखी हुई है। मोदी जी, अमित शाह जी के स्कूल में जाकर देखो, सब लोगों को खाना मिल गया होगा, यहीं पे हम लोग खाली बैठे हुए हैं, ना ही आप हमें पढ़ा रहे हैं और ना ही हमें खाना मिल पा रहा है, बीच में आपने छोड़ दिया है हमें। अच्छा योगी जी, एक बात बताओ, अभी तो तुम पढ़कर हटे हो, कितना पढ़ोगे? बीच में लंच टाइम तो होगा ही, इंटरवल तो होगा ही, अब इंटरवल में खिचड़ी बनकर तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं? अरे मोदी जी, फिर से वही बात करते हो, अरे खिचड़ी बनकर तो तब तैयार होगी जब केरोसिन का तेल लाओगे स्टोव में डालने के लिए, जब स्टोव में आग ही नहीं जलेगी तो कैसे खिचड़ी तैयार होगी? अरे रुको रुको मोदी जी, रोको रोको, साइकिल को यहीं रोक लो। अरे मैं भी सोच रहा हूँ ये ढोल बजाने का धंधा छोड़कर तुम्हारे साथ काम पर लग जाऊं, बहुत आम लात के ले जा रहे हो अपनी साइकिल पर, बहुत बढ़िया कमाई हो जाती होगी मोदी जी आपकी। लालू जी, कहाँ चक्कर में पड़ोगे, बहुत मेहनत का काम है, इन आमों को आम के बगीचे से मंडी ले जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, देख रहे हो मेरी साइकिल पर कितने आम है, चला नहीं जा रहा है मुझसे लेकर। अरे मेहनत तो है मोदी जी, लेकिन कमाई तो अच्छी हो जाती है तुम्हारी, मेरे इस ढोल बजाने के काम में तो कोई कमाई नहीं हो पा रही है, मुझे तो काम यही करना है, आप बताओ क्या करना पड़ेगा? अरे करना क्या पड़ेगा, ये ढोल को घर रख दो और घर से जो साइकिल है उसे ले आओ और हमारे साथ काम पर लग जाओ। अरे राहुल, साइकिल तो है नहीं, साइकिल खरीदना पड़ेगी, बताओ साइकिल कैसे खरीदी जाए? लालू जी एक सलाह देता हूँ, अब ये ढोल बजाना जब आप छोड़ ही रहे हो तो ढोल को बेच दो, साइकिल खरीद लो एक पुरानी, इतना वजन लादने पर साइकिल में कोई दिक्कत तो नहीं आती है? ये बताओ लालू जी, दिक्कत किस बात की आएगी, साइकिल अपनी है, जितना वजन लादो इस पर, ये कोई मोटर गाड़ी या मोटरसाइकिल थोड़ी है जिस पे ओवर रोड लादो चालान कट जाएगा। अरे योगी इंस्पेक्टर जी आ गए और अखिलेश भी है साथ में, ये किस लिए आ गए आज? ये तो राहुल अपने ही तरफ बड़े चले आ रहे हैं। मोदी जी और राहुल, अपनी साइकिलों को यही रोक लो, यही रोक लो, इतना आम लाद कर ले जा रहे हो अपनी साइकिल पर। अरे हम रुके हुए ही हैं योगी जी, कहीं नहीं जा रहे हैं, बताओ क्या दिक्कत हो गई? इतने आम लादे तो क्या हो गया? अरे इतना वजन कोई साइकिल पर लादता है? तुमने साइकिल पर इतने आम लाद रखे कि साइकिल भी कहती होगी कि मैं किसके हाथ में पड़ गई। हाँ योगी सर जी, मैंने अक्सर देखा ये साइकिल पर इतना ही वजन लाद के ले जाती, आम लाद कर ले जाती, इतना वजन तो कोई अपनी लोड गाड़ी में भी नहीं लादेगा जितना वजन ये साइकिल पर लादते है, इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि आप चलकर खुद देखो। तो अगले से ये तुम लाए हो योगी जी को अपने साथ? अरे साइकिल पर वजन हम लाद रहे, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? साइकिल हमारी है, हमने पैसा देकर खरीदा है। मोदी जी पैसा देकर खरीदने की बात नहीं है, पैसा देकर तो लोग मोटर गाड़ी भी खरीदते हैं, लेकिन उसमें ओवरलोड थोड़ी लाद सकते हैं।
अब तुम इतना वजन लाद के ले जा रहे हो, तुम्हारी साइकिल कहीं पर गिर जाए तो किसी को चोट लग सकती है। चलो मैं आज तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से इतना वजन अपनी साइकिल पर मत लादना। मेरा तो भाई ढोल का ही धंधा सही है मोदी जी, मैं तो जा रहा हूँ ढोली बजाऊंगा, इस साइकिल के काम के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब।